सोशल मीडिया के लिए रील बनाने लगाई गई छलांग मौत की छलांग साबित हुई। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके का रहने वाला एक युवक अपने दोस्तों के साथ नर्मदा में डुबकी लगाने गया हुआ था। इसी बीच उसने रील बनाने के लिए नर्मदा में छलांग लगाई और उसके काफी देर के बाद तक जब वह नहीं निकला तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। काफी देर की खोजबीन के बाद उसकी लाश ही नर्मदा से बाहर निकल पाई। दरअसल धनवंतरी नगर के शांति नगर इलाके में रहने वाला 23 साल का अंकुर गोस्वामी अपने दोस्तों के साथ नर्मदा नदी के तिलवारा घाट गया हुआ था। इसी बीच सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के पहले का युवक का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह तिलवारा घाट के पुराने पुल से नर्मदा में छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह मृतक अंकुर गोस्वामी के साथ इलाके का ही एक अन्य युवक नीरज चक्रवर्ती भी नर्मदा स्नान करने के लिए गया हुआ था। उसकी भी नर्मदा में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ही शवों को गोताखोरों की मदद से ढूंढकर बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। जबलपुर का तिलवारा पुल सुसाइड पॉइंट के नाम से कुख्यात है। यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज की घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। सोशल मीडिया में रील बनाने के चक्कर में कई युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। पीबीसी के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। ये सुबह तिलवारा गए थे नहाने तीन लड़के, यश गोस्वामी, अनुराग गोस्वामी और एक और है कोई। तो ये नहाने गए तिलवारा, वहाँ से पता नहीं वीडियो बनवाया, बोला कि मैं कूद रहा हूँ मेरी वीडियो बनाओ। वीडियो बनाते थे, मैं अंदर घुसा तो निकला नहीं बाहर। तो दो घंटे बाद लाश मिली, रहने वाला शांति नगर परसवाड़ा का है। क्या नाम है? अंकु गोस्वामी। और जो एक और कथा नीरज चौधरी नाम है उसका, वो लाल बाबा का रहने वाला नीरज चक्रवर्ती जी। वो भी कथा? हाँ वो भी, दोनों डेड बॉडी मिली है। आप कौन है? उनके अंकु के भाई है, मामा का लड़का है वो। कहाँ के रहने वाले? शांति नगर परसवाड़ा। वो लाल बाबा उसी के आगे पड़ता था। नीरज चक्रवर्ती लाल बाबा का रहने वाला हमारा शांति नगर परसवाड़ा। अंकु गोस्वामी, उम्र 20-22 करी। आपका नाम? हमारा विजय गिरी गोस्वामी। मैं महाराणा प्रताप बाट शांति नगर निवासी, मैं तो घर पर था तो मेरे वही लड़के लोग कॉलोनी के हैं, उनका कॉल आता है कि भैया हम लोग तिलवारा नहाने आए थे, जो जो लड़के लोग तो वहाँ से मेरे पास उनके घर वाले भी आए, भैया वो हमारा बेटा गया रहा बच्चों के साथ नहाने, तो वो नहाने तो गया तो ठीक है, और छोटे पुल से कूद के नहाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो कूदा वहाँ से तो गहराई में चला गया। गहराई में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई अंकुर गोस्वामी की। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे प्रशासन वगैरह तो कोई नहीं था, तो जहाँ तक मेरे से बना वहाँ के जो गोताखोर और नाव वाले जो मेरे पहचान के हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। उनसे सब संपर्क बनाने के बाद जो भी मेरी बात हुई, फिर मैं उनके द्वारा नाव से उनको बीचों बीच गया ढूंढने। कम से कम आधे घंटे लगे ढूंढने में। आधे घंटे बाद वो जहाँ के निजी गोताखोर थे उन्होंने ढूंढ लिया। कितने लोग थे वहाँ पे? तो जब ढूंढ रहे थे तो अंकुर गोस्वामी को तो निकाला था उसी टाइम पश्चात, कि कुछ गोताखोरों का बताते हैं कि एक और डेड बॉडी है, तो उन्होंने तो निकाला नहीं क्योंकि वो किसी ने बोला नहीं था कि निकालने के लिए। फिर उसको मैं अपने निजी साधन टू व्हीलर से अंकुर गोस्वामी को मेडिकल कैजुअल्टी लेके आता हूँ, ना कि एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंची, ना कि कोई प्रशासन था। कैसे हुई दोनों की मौत? वो एक की तो मुझे पता है कि तिलवारा छोटे पुल से कूद के नहा रहा था, उससे मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले दोनों? वो शांति नगर का निवासी है अंकुर गोस्वामी, और दूसरा नीरज चक्रवर्ती लाल बाबा निवासी महाराणा प्रताप बाट धनवंतरी नगर का। आशीष रजक सर, एक दो युवकों की मौत हुई है तिलवारा से कूदने से, क्या सब मामला था? ये थाना तिलवारा में सूचना मिली कि तिलवारा के छोटे पुल से दो लड़के कूदे और नर्मदा नदी के पानी में डूब गए हैं। इस सूचना पर मौके पर गए, वहाँ पर गोताखोरों के मकसद से दोनों को निकाला गया। जो मृत अवस्था में मिले, जिनको परिजन द्वारा मेडिकल लाया गया, डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर बताया कि मृत हो गए हैं। इनका 100 पंचनामा कार्रवाई की गई और मर्ग कायम करने के बाद 100 पंचनामा कार्रवाई की गई है, जांच में है। दोनों के नाम क्या है सर, कहाँ के रहने वाले? एक का नाम है नीरज चक्रवर्ती, दूसरे का नाम है अनुराग गिरी गोस्वामी। ये अनुराग गिरी गोस्वामी है
शांति नगर परसवाड़ा का है और नीरज चक्रवर्ती जे लाल बाबा धर्मद्री नगर का है। आपका नाम सर? ESIT का राम चौधरी, थाना तिलवारा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।